हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो मैं सारी की सारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इससे बाहर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। आप इस वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही साथ मैं सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेन भी करूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, देखिए। सौर मंडल के संबंध में सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपरनिकस इज द राइट आंसर। कॉपरनिकस किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1540 ईस्वी में ये बताया था, सौर मंडल का खोज किया था, ये ऐसा कहा जाता है, ठीक है, 1540 ईस्वी में। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन से ये पूछ जाता है कि ग्रहों के गति नियम किसने दिया था? तो ग्रहों का गति नियम केपलर के द्वारा दिया गया था 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में। और ये केपलर जो थे ये जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है स्थित है, ये स्थित है चंद्रमा पे। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए सी ऑफ ट्रांक्विलिटी को हम लोग कभी कभी शांति सागर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूल का मैदान है, ठीक है, इस धूल के मैदान को ही कहा जाता है शांति सागर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या फिर दे सकता है शांति सागर, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी है, ये चंद्रमा के जो हम लोग नहीं देख पाते हैं पिछले भाग को, वहाँ पर स्थित है, ठीक है, जिस जहाँ पर हम लोग का ये अंधकार में दिखाई देता है, हमारा ये जो चंद्रयान 2 था जहाँ पर जाने वाला था वहीं पर ये स्थित है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि चंद्रमा का जो सबसे उच्चतम पर्वत है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लिबनिटीज पर्वत, ठीक है, लिबनिटीज पर्वत, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, चंद्रमा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको जीवाश्म ग्रह के नाम से कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने मेरा कल के वीडियो देखा था जो कि 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको क्लियर कराया था जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है फ्रेंड्स, सीजीगी। सीजीगी क्या है? तो सीजीगी हम लोग उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं, उस स्थिति को हम लोग सीजीगी के नाम से जानते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि उल्का, जिसको हम लोग मेटोर कहते हैं, तो मेटोर हमारा क्या होता है? तो ये होता है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल के में प्रविष्ट पदार्थ का अंश होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको चार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को सुमेलित करना है कौन किसके साथ मैच करेगा। तो सबसे पहला पूछा गया कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगा, वो सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ठंडा ग्रह नेपच्यून, जो कि सबसे दूरी पे स्थित है, जिसको हम लोग वरुण के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसको वरुण बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए का ये, यहाँ पे मैं इसको मैच करते चलता हूँ, ये ए हो जाएगा। और अगर बात करें सेकेंड की, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी के साथ, ये मैच करता है। और सबसे यहाँ पे पूछा गया सूर्य से दूसरा स्थान ग्रह का कौन सा है, तो सबसे पहला स्थान जाता है बुध का, दूसरा आता है शुक्र का, तो यहाँ पे ये सी के साथ मैच हो रहा है। और ये अब लास्ट में बचा, तो निकटतम ग्रह, सूर्य से निकटतम ग्रह जो होता है बुध होता है, तो यह फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मैचिंग होगा फ्रेंड्स, सॉरी ये डी के साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे डी होगा, क्लियर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं है, आप इस तरह से मैच कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमिड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात ये आती है कि गैनीमिड किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो ये जुपिटर, जिसको हम लोग कहते हैं बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर का ये सबसे बड़ा उपग्रह, इस चीज़ को भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरोपा होगा, ठीक है, यूरोपा भी आपका जुपिटर का ही होता है। और ये टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो होता है ये शनि का उपग्रह है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि जो सूर्य होता है ये एक प्रकार का गैसीय गोला है, ठीक है, और ये इसमें जो गैस की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो हाइड्रोजन की होती है, और सेकंड जो होती है हीलियम की होती है। तो हाइड्रोजन इसमें होता है 71%, और जो हीलियम की इसमें मात्रा होती है वो होती है 26.5%, और जो बाकी के जो तत्व बचते हैं जैसे कि 2.5, वो बाकी अन्य तत्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया था कि हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 71% हाइड्रोजन होता है, तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो कौन एक तारा है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शुक्र जो प्लैनेट है, पृथ्वी प्लैनेट है, और चंद्रमा एक जो कि ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर बात करें कि तारा कौन है, तो सूर्य हमारा एक तारा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सूर्य सौर्य जो पृष्ठ होता है, यानी कि सूर्य का जो पृष्ठ है, उसका लगभग कितना टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, सतह का तापमान। तो सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सी। इसको करीब करीब 5800 डिग्री सी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो आप दोनों को याद रखिएगा, अगर कहीं 5800 मिले तो आप 5800 को टिक करेंगे, ठीक है। वैसे लगभग में आप लेकर चलते हो 6000 डिग्री सी। अब तो ये बात हो गई इसके सतह का तापमान, लेकिन अगर बात करें फ्रेंड्स इसके कोर का टेम्परेचर कितना होता है, तो उसके कोर का तापमान जो होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। अब आप सोच सकते हो कि ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा गौर करो ताकि पता चल जाए आपको कितना ये ज़्यादा टेम्परेचर है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर, काल्पनिक अक्ष पर जो घूमती है, उसको हम लोग कहते हैं घूर्णन। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। और सूर्य के चारों ओर घूमने की स्थिति को हम लोग कहते हैं परिभ्रमण। तो दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, जो पृथ्वी है अपनी कक्षा में किस प्रकार की गति करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, पश्चिम से पूरब, ठीक है। पश्चिम से पूरब घूमती है, इसी कारण सूर्य जो होता है वो पूरब से निकलता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि सूर्य हमेशा पूरब से ही क्यों निकलता है, तो आपको ये बोलना है कि क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस चीज़ को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे मैं आपको दो ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि और भी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे बाहर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछ जाते। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, आप हमारे आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे देता हूँ, वो चीज़ में वो अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करता हूँ, वहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो आप हमारे वेबसाइट को जरूर चेक करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने को मिल जाएंगी, बहुत सारी जीके ट्रिक्स मिल जाएगी, PDF आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, तो एक बार जरूर विजिट करें, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो सर्वाधिक दूरी होता है वो होता है हमारा अप्सौर, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, अप्सौर। अप्सौर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अगर इंग्लिश में बात करें कभी कभी इंग्लिश में ही लिखा जाता है अफेलियन, ठीक है, अफेलियन के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो होता है, ये स्थिति होता है 4 जुलाई को, इस चीज़ को याद रखिएगा 4 जुलाई को। और ये अप्सौर आप जो देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेरिहेलियन। मैं आपको ये भी लिखता हूँ पेरिहेलियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश में पूछ जाता है, कभी हिंदी में भी दिया जाता है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। और ये जो स्थिति होती है फ्रेंड्स, ये 3 जनवरी को होती है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे अधिक जो दूरी होती है ये 4 जुलाई को होती है, इसमें दूरी कितनी होती है, तो 15.21 किलोमीटर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। और जो 3 जनवरी होता है, इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसमें कितना होता है, तो 14.70 करोड़ होता है, इसमें 15.21 करोड़, इसमें 14.70 करोड़। अभी कभी कभी पूछा ये जाता है कि पृथ्वी और सूर्य का औसत दूरी कितना होता है। अब आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा, 29.91, ठीक है, ये करोड़ किलोमीटर आएगा। तो अगर इस 2 से डिवाइड करोगे तो ये आता है कितना, 14.955। अब इसको आप लगभग में लिखते हो 14.96 करोड़ किलोमीटर, और यही हमारा जो एक्चुअल आता है एवरेज डिस्टेंस, जो कि पृथ्वी और सूर्य का औसत दूरी 14.96 करोड़, जिसको हम लोग कभी कभी 15 करोड़ लगभग लेकर चलते हैं। तो आपने समझ गया कि आपको कैसे निकालना होता है और ये किस तरह से निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इन 2 डेट को याद रखेंगे, इसके बारे में आगे भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स क्या है कि एक भूस्थिर उपग्रह का काल कितना होता है। तो ये जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, जिनको हम लोग सैटेलाइट के तौर पे ऊपर में लगाते हैं, उनका कार्यकाल होता है 24 घंटे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, अगर इसको चंद्रमा, इस द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा। इसके लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा सोच लो। देखिए मैंने, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस, जो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पे टिक किए होंगे, या फिर किसी ने ऑप्शन बी को टिक किया होगा।
क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो होता है वो 1/6 आप लोग रट के रखे हो, लेकिन एक चीज आपने कभी यहाँ पे नोटिस नहीं किया, यहाँ पे पूछा गया था द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान जो होता है वो पृथ्वी पर या फिर चंद्रमा पे हर जगह सेम होता है यार। यहाँ पे जितना पृथ्वी पर अगर 6 किलो का है तो वहां पे चंद्रमा पर भी ये 6 किलो का होगा, लेकिन यहाँ पे अगर पूछा गया था द्रव्यमान, लेकर यही अगर बात किया था भार, ठीक है, भार अगर क्वेश्चन में वेट के बारे में किया जाता तो यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा ये होता है 1/6, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया जाए तो द्रव्यमान जितना पृथ्वी पे होता है उतना ही चंद्रमा पे भी होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन सेम टू सेम रहता और यहाँ पे पूछा गया था कि पृथ्वी पर जो भार है वो 6 किलो है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो वहां पे आपका राइट आंसर होता है 1 kg, क्योंकि 1/6 आप यहाँ पे कर लेते। क्लियर, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी और आप इस तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय है। तो वलय जो है सबसे जो हमारा जो ग्रह है ये शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। वलय मतलब रिंग, आपने देखा होगा रिंग है, तो शनि ग्रह के चारों ओर रिंग है और इस रिंग की संख्या कितनी है तो 7 है। इस चीज को याद रखेंगे, शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है यानी कि उसका जो सबसे बड़ा मून है वो कौन है, टाइटन, ठीक है फ्रेंड्स। और इस टाइटन की खोजकर्ता कौन थे, 1665 में डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइजोन, ठीक है। क्रिश्चियन हाइजोन ने इसकी खोज की थी और ये टाइटन जो है ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह होता है गैनीमिड जो कि बृहस्पति का है, और शनि का जो टाइटन है ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन क्या है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है। तो देखिए सर्वाधिक जो चमकदार होता है ये होता है शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए सबसे चमकीला ग्रह हमारा आता है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह आता है हमारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सौंदर्य का देवता शुक्र, और पृथ्वी की बहन ऑलरेडी शुक्र। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितनी सारी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो शुक्र से बनते हैं, तो इस चीज़ को याद रखेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस चीज़ के साथ मैंने इसके शेयर कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, वरुण जो ग्रह है जिसको हम लोग कहते हैं नेपच्यून, ये नेपच्यून जो है ये हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जन करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। और ये सबसे ज्यादा दूरी पे स्थित ग्रह है और जिसको ठंडा ग्रह के नाम से भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि के आधार पर निम्नलिखित ग्रहों का सही आरोही क्रम क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि, तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि मान के चले कि ये सन है, उसके बाद मैं बाकी के प्लैनेट को हटाता हूँ, जैसे कि इसके बाद सबसे बाकी मैं 2 प्लैनेट को छोड़ता हूँ, 3 प्लैनेट को, और उसके बाद मैं लाता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट मार्स, सॉरी पहले अर्थ आएगा, उसके बाद मार्स आएगा, और उसके बाद आपका आता है जुपिटर, और लास्ट में आता है आपका ये सनी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सनी के बारे में जो कि सैटर्न। अब देखिए ये इसका काल क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, ये भी ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, और ये जो सैटर्न होगा ये इस तरह से घूमेगा, ठीक है, ये इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो होगा परिक्रमण की अवधि, तो जो सबसे नज़दीक है वो सूर्य को सबसे पहले कवर कर लेगा, तो ये सबसे पहले करेगा, उसके बाद ये करेगा, इसके बाद ये करेगा, इसके बाद ये करेगा। तो आपने देखा कि ये जो हमारा लाइन से यहाँ पे दिया गया 1, 2, 3 और 4, यही हमारा करेक्ट सीरीज हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस चीज़ को आपने देखा कि जो भी जो प्लैनेट जब सूर्य से जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वो परिक्रमण की जो अवधि होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न ये बनता है कि सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जो है ये किस ग्रह से टकराया था। तो सुमेकर लेवी 9 जो धूमकेतु है ये टकराया था बृहस्पति से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और जो ये आपका धूमकेतु है इसको खोजा कब किया गया था, तो ये 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1993 में खोजा गया था, और ये जस्ट एक साल के बाद जुलाई 1994 में ये बृहस्पति से टकरा गया था। तो इस चीज़ को याद रखेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तारों का रंग जो होता है वो किसका सूचक है। तो तारों का रंग जो होता है उसके ताप का सूचक होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट वन क्या है कि कृष्ण छिद्र जिसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्लियर।
आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि सूर्य से पृथ्वी की माध्य दूरी को हम लोग, ठीक है, सूर्य से जो पृथ्वी का माध्य दूरी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो खगोलीय इकाई कहते हैं इसको, ठीक है, खगोलीय इकाई के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ, अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक में मारिया नामक बृहद अदीप्त मैदान पाया जाता है। तो देखिए मारिया जो मैंने आपको बताया था लिबनिटिज पर्वत चंद्रमा पे, उसी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, चंद्रमा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि विषु जो शब्द होता है सूर्य की निम्नलिखित स्थिति में से संबंधित है, तो विषु हम लोग किस शब्द को किस लिए कहते हैं, तो ये कहते हैं जब सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा पर होता है, यानी कि जो इक्वेटर पर होता है, जबकि दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, जब ये स्थिति में होता है सूर्य की जो लाइट इस तरह से पड़ती है कि इक्वेटर पे, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं विषु, ठीक है, इक्विनॉक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न ये कि कॉमेट्स सौरमंडल के वे खगोलीय पिंड है जो, ये क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के चक्कर अत्यधिक दीप्त कक्षा पथ पर लगाते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो कि दीप्त कक्षा पर पथ पर लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉमेट्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि अंतरिक्ष का सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो अंतरिक्ष का सर्वाधिक चमकीला तारा जो होता है वो साइरस होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसको हम लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना, शायद ये क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिला होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा 1/50, राइट आंसर क्या, 1/50, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपने देखा था चंद्रमा का जो भार होता है वो 1/6 के बराबर होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण भी इतना ही होता है, और लेकिन यहाँ पे आयतन की बात करें तो 1/50 होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक तारे में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, एक तारे में सर्वाधिक जो गैस होती है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन, जैसे कि हमारा सन है, तो सन में मैंने आपको ऊपर बताया था कि 71% जो था वो हाइड्रोजन की मात्रा होती है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है, तो लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से हम लोग जानते हैं अरुण को, ठीक है, जो मेरे भाई हैं उनका नाम है अरुण, तो मैं आपको इस तरह से याद रखता हूँ, वो हमेशा लेटे हुए रहते हैं, आप चाहे किसी तरह से भी याद करो, लेटा हुआ ग्रह के नाम से अरुण को जाना जाता है, जिसको हम लोग यूरेनस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। देखिए यहाँ पे बात की अधिकतम दूरी, जो कि मैंने आपको ऊपर में डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको अधिकतम दूरी को हम लोग कहते हैं अफेलियन, जिसको अप्सौर कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स, अप्सौर में 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई इज द राइट आंसर, और सबसे कम कितना होता है, जनवरी, जो कि 3 जनवरी को होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वही वाला सेम क्वेश्चन यहाँ पे कि पृथ्वी की उपसौर, जिसको हम लोग पेरिहेलियन कहते हैं, स्थिति में किस महीने में होती है, तो पेरिहेलियन जो स्थिति होती है सबसे कम होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, जो कि जनवरी में होती है, 3 जनवरी को, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, 3 जनवरी को, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो फ्रेंड्स हमारा जो भारत है, अगर बात करें कि वर्ल्ड मैप में, पूरे वर्ल्ड में हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा स्थान आता है, तो 5th स्थान आता है। सेम टू सेम उसी तरह से अगर बात करें कि सोलर प्लैनेट में पृथ्वी का स्थान कौन सा आता है, तो सेम टू सेम 5th स्थान आता है, तो दोनों में हमारा स्थान 5वां ही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5वां इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिक्रमा पथ पर पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन से हैं, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो अर्थ हो गया, इसके जस्ट लेफ्ट में हमारा आता है ये वेनस ग्रह, और इसके राइट में आता है ये मार्स ग्रह, तो दोनों ओर कौन से ग्रह पड़ रहे हैं, वेनस और मार्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मंगल और शुक्र, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बाद जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है, अब तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब तक याद भी हो गया होगा, अगर नहीं भी याद हुआ तो प्लीज़ यार इसको याद करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को जब न्यूनतम दूरी हुआ, तो 4 जनवरी को सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी होता है, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
अगला क्वेश्चन देखिए कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है। तो मैंने आपको ऊपर में क्लियर कराया था, सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन होता है जिसमें 71% होता है, और हीलियम की मात्रा जो होती है 26.5% होता है, और बाकी 2.5% आप मान के चलो कि कोई अदर तत्व होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है। तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा अर्थ हो गया, इसके जस्ट इधर हमारा ये वेनस है, इधर इस तरह मार्स है, और इसके बाद हमारा आता है ये जुपिटर। ठीक है, जुपिटर। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूरी के क्रम में पूछा गया, तो पृथ्वी से दूरी के क्रम में सबसे नज़दीक हमारा आता है ये वेनस, जस्ट इसके बाद हमारा ये है ये मार्स, और इसके बाद हमारा नज़दीक में पड़ जाता है ये, यहाँ पे अगर बात करिए कौन सा, यहाँ पे आता है वेनस के जस्ट पहले मरकरी। ठीक है, मरकरी आता है जो कि बुध, और लास्ट में हमारा जुपिटर। तो जो अर्थ से जुपिटर की दूरी कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो डेफिनेटली अगर यहाँ राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सूर्य मंगल बुध और बृहस्पति, ये दूरी का क्रम बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की बात करें तो 89, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये बीपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछा गया था, बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही धमाल का क्वेश्चन है, याद रखना है 89। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर उपस्थित है। तो निक्स ओलंपिया कोलंपस जो है ये है मंगल ग्रह पर, मार्स पर उपस्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक ग्रहण 7 हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि डायमंड रिंग, ठीक है, डायमंड रिंग जो होता है किसकी घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना होती है सूर्य ग्रहण के दिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के निकटतम है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम मैंने आपको ऊपर में क्लियर कहा था, शुक्र सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मंगल, उसके बाद आता है बुध, और लास्ट में बृहस्पति कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था शुक्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें, तो यही हमारा शुक्र के देवता के नाम से, सॉरी सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि युग इक्विनॉक्स जिसको हम लोग ऊपर में विषुव के बारे में मैंने बात किया था, वही ये सेम टू सेम क्वेश्चन कि इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है। वह स्थिति जब दिन और रात समान अवधि पे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे क्लियर किया था कि मान के चलिए कि ये हमारा अर्थ हो गया और यहाँ पे ये सन है, तो ये जो लाइट देता है ये इक्वेटर पे होकर देता है, तो दोनों तरफ क्या होता है, दिन और रात दोनों तरफ बराबर होते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हीलियोसेंट्रल मॉडल जो प्रस्तुत किया गया था कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि सूर्य के बाह्यतम परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो बाह्यतम परत को हम लोग कहते हैं किरीट या फिर क्रोना। आपने अक्सर ऐसा पढ़ा होगा कि जो सूर्य ग्रहण के समय हमें जो दिखाई देता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जी बिल्कुल यही आंसर होगा, कोरोना कहो आप या किरीट कहो। और किरीट जो होता है ये हमें सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, जिसको हम लोग बाहरी परत को कहते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण किस चीज़ से होता है, तो प्लाज्मा से होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आपको चार क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे, जैसे कि उपग्रह और उनके ग्रह के साथ सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे दिया गया। चलिए एक एक करके देखते हैं। टाइटन जो होता है उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, शनि बिल्कुल करेक्ट है, शनि का ये उपग्रह टाइटन है। ठीक है, अरुण ग्रह का टाइटन हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि ये किसके द्वारा खोजा गया था अरुण ग्रह, तो अरुण ग्रह खोजा गया था विलियम हर्सेल के द्वारा 1781 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, ट्रिट्रॉन जो होता है ये भी वरुण का ये ग्रह उपग्रह है, बिल्कुल करेक्ट है, जिसको हम लोग वरुण को नेपच्यून कहते हैं, और इस ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था, जोहान गॉले के द्वारा किया गया था 1846 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। तो गैनीमेड भी बृहस्पति का है, अरे यार ये क्या हुआ, यहाँ पे तो सारी की सारी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जी बिल्कुल मैंने यही किया था, यहाँ पे सारी आंसर राइट दिया था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा चारों के चारों जो मैच हैं बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए किया था ताकि आपको यहाँ पे चार क्वेश्चन दे सकूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं। तो फेमोस और डीमोस जो होते हैं ये ग्रह हैं,
मंगल ग्रह के, ठीक है फ्रेंड्स, मंगल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अगर बात करें कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा उपग्रह आता है डीमोस, जो कि मंगल ग्रह का, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फोबो नामक जो उपग्रह होता है, फोबो, ठीक है, फोबो ये शनि का उपग्रह है, याद रखना है, और फोबोस जो होता है ये मंगल का उपग्रह है, तो दोनों में सौ का अंतर है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होएगा, गलती नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन से दो ग्रह की गति अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। जी बिल्कुल, मैं यही क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर में बोला था कि लास्ट में दो पॉइंट्स और बताने वाला हूँ। जी बिल्कुल, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि वो दो ग्रह गति कौन है जो अन्य ग्रहों की विपरीत गति करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो ये पृथ्वी है वो क्या करता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, लेकिन ये दो ग्रह हैं जिनका नाम है अरुण और शुक्र, जिसको हम लोग यू वी कह सकते हैं, यू वी अल्ट्रावायलेट जो रे होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक है। यूरेनस और वेनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनका जो घूर्णन होता है ये घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सूर्योदय होगा फ्रेंड्स ये पश्चिम से उगता है और पूर्व की ओर डूबता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और बुध और शुक्र जो ऐसे दो प्लैनेट हैं जिनका कोई भी अपना उपग्रह नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस का पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले दो ग्रह कौन से, तो यू वी यानी कि यूरेनस और वेनस दो उपग्रह हैं जो कि इनका कोई सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते, और बुध और शुक्र जो ऐसे प्लैनेट हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, क्लियर, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर मंगल और बृहस्पति जो देख रहे हैं जो क्षुद्र ग्रह होते हैं इन्हीं के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, तो यहाँ से तीन क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या ज़्यादा है। उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा जो होता है फ्रेंड्स, पहले तो बृहस्पति का था लेकिन शनि का अब हो गया, क्योंकि शनि के पास 62 उपग्रह थे और हाल ही में इसके 20 उपग्रह नए खोजे गए, यानी कि कुल 82 उपग्रह इसके हो गए। पहले 63 बृहस्पति का हुआ करता था जो कि सबसे ज़्यादा टॉप पे था, और अब शनि हो गया जिसके अब 82 हो गए, क्लियर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ पे मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं 50 क्वेश्चंस तो ऐसे थे, और आपको पता ही होगा कि 30 प्लस क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, तो टोटल 80 क्वेश्चंस प्लस मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा। अब आप खुद से सोच बताओ कि इससे बाहर कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या नहीं पूछा सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको इसी तरह के टॉपिक वाइज कंप्लीट कराऊंगा हर चैप्टर को, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो तहे दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स। हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।